रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख कृषि फसलों के बारे में। हमारा जो पाठ था कृषि एवं कृषि के प्रकार और विभिन्न कृषि फसलें, उनमें से कृषि के प्रकारों को हटा दिया गया। अब हमें सिर्फ कृषि फसलें गेहूँ चावल कपास गन्ना चाय का विवरण पढ़ना है, यानी इस पाठ से कृषि के जो प्रकार थे उन सबको हटा दिया गया। इस पाठ का जो अंक विभाजन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि इसमें से कितने नंबर का प्रश्न आना है। वैसे इस पाठ से बड़ा प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। इस पाठ में प्राचीन समय में यानी पहले की बात करें तो बड़े प्रश्न आए हैं, चावल का, गन्ने का, गेहूं का, इनका वर्णन पूछा गया है और ये चार नंबर का प्रश्न इस पाठ से पूछा गया। लेकिन वर्तमान समय में पाठ्यक्रम को चेंज कर दिया गया है, जिससे देखते हैं इसका अंक विभाजन कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि फसलों की। उपयोग के आधार पर कृषि फसलों को खाद्यान्न फसल, बागती फसल, नगदी और रेशेदार फसलों में विभाजित किया जाता है। यानी उपयोग के आधार पर कि हम उनका किस प्रकार से उपयोग करते हैं, खाने में उपयोग करते हैं या उनको बाग लगा करके उसको बागानी नगदी या बेचने के लिए या उनसे हम कोई धागा या वस्त्र बनाते हैं, तो वो फसलें जो कृषि फसलें हैं। सबसे पहले हम कृषि फसलों के अंतर्गत जो खाद्यान्न फसल हैं उनमें गेहूँ का वर्णन हमें पढ़ना है और सबसे पहले हम गेहूँ के वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। गेहूँ शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में अधिक बोया जाता है, लेकिन इस ज्योग्राफी में हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो गेहूँ भारत की दूसरी प्रमुख फसल है। खाद्यान्न मतलब पहली कौन सी होगी, चावल, दूसरी है गेहूँ। गेहूँ की जो फसल है वो भारत में रबी की फसल के अंतर्गत बोई जाती है। रबी, खरीफ और जायद ऋतुओं के अनुसार फसलों के तीन प्रकार होते हैं ना, रबी, खरीफ और जायद, उसमें इसको रबी की फसल के अंतर्गत बोया जाता है। भारत में यानी देश के बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। यानी हमारे देश के जो कुल जो बोया गया क्षेत्र है उसके 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। अब दोबारा देखो हमारा ये जो पाठ है, इस पाठ में हम कृषि फसलों के बारे में पढ़ेंगे और कृषि फसलें उपयोग के आधार पर चार प्रकार की हैं, खाद्यान्न हैं, बागाती हैं, नगदी और रेशेदार, ठीक है। अब सबसे पहले हम खाद्यान्न फसलों में गेहूं का वर्णन हमें पढ़ना है। तो गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में इसको बोया जाता है, ठीक है, और ये भारत की प्रमुख दूसरी खाद्यान्न फसल है, ठीक है, और देश की बोए गए क्षेत्र के 14% भाग पर इसको बोया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके लिए भौगोलिक दशाएं, यानी गेहूं के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन सी हैं, यानी गेहूं के लिए कितना तापमान, कैसा धरातल होना चाहिए, कितनी वर्षा, कैसी मृदा और श्रमिकों की आवश्यकता होती, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तापमान, आप समझ गए होंगे कि गेहूं की जो फसल है वो रबी की फसल के अंतर्गत बोई जाती है। रबी की जो फसल ऋतु है उसके अनुसार बोई जाती है, तो रबी की जो फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। तो अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल के जो बीच वाला टाइम है वो भारत में सर्दी का ज्यादातर रहता है और इस समय देश में तापमान क्या होता है, कम होता है। तो इस फसल के लिए कितना तापमान चाहिए, इसके लिए बोते समय 10 से 15 और काटते समय 20 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। यानी बोते समय कितना होना चाहिए, 10 से 15 डिग्री तापमान की आवश्यकता हो और काटते समय 20 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें जब ये फसल पक रही होती है ना उस समय इसमें अधिक सर्दी न हो, यानी पाला रहित होना चाहिए उसे, यानी इसके लिए 100 दिन कम से कम कितने हो, क्या होने चाहिए, पाला रहित होने चाहिए। तो ये थी इसके लिए तापमान, यानी गेहूं के लिए
बोते समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और काटते समय 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और इस गेहूं की फसल के लिए 100 दिन पाले रहित होने चाहिए, यानी इतनी सर्दी नहीं कि गेहूं की फसल को पाला मार जाए, यह था इसके लिए तापमान। ठीक है, दूसरी बात धरातल। कोई भी फसल है, यानी सिर्फ चाय को छोड़कर के जितनी भी फसलें हैं उन सबके लिए धरातल क्या होना चाहिए, समतल, समतल धरातल होना चाहिए। तो गेहूं की फसल के लिए धरातल समतल होना चाहिए, यही कारण है कि मैदानी भागों में, यानी भारत का जो ये जो भाग है मैदानी, उत्तर के विशाल मैदान में, इस भाग में गेहूं की कृषि अधिक की जाती है। इसका वितरण आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए धरातल क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए, जिसमें आसानी से पानी की निकासी हो, उसके समतल धरातल की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आते वर्षा। इसके लिए जो वर्षा है वो कम से कम 50 से 75 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है, कम से कम 50 से 75 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में इस फसल को बोया जा सकता है। ठीक है, और जिन क्षेत्रों में वर्षा की कमी है उन क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों द्वारा भी इस फसल को पैदा किया जा सकता है। भाई वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है इस फसल को मतलब पैदा करने के लिए, और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों द्वारा भी इस फसल को पैदा किया जा सकता है। इस फसल के लिए जो मावठ है ना, मावठ वो बड़ा ही श्रेष्ठ, मावठ की जो वर्षा है वो इसके लिए बड़ी श्रेष्ठ है। मावठ आपको पता है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से दिसंबर जनवरी में होने वाली जो वर्षा है वो, उसको हम क्या कहेंगे, मावठ कहते हैं। तो मावठ इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, लाभदायक है। तो ये उसके बाद में इसके लिए मृदा, मृदा हल्की दोमट बलुई काली मृदा में इसको आसानी से बोया जा सकता है, यानी दोमट मृदा है, हल्की बलुई, हल्की बलुई मृदा में जिसको बाड़ू जिसको हम बोलते हैं ना, हल्की बलुई वो हो गई, दोमट और काली मृदा में इसको बोया जा सकता है, काली मृदा ये मृदा हो गई। सरम, इसके लिए सस्ते सरम की आवश्यकता, सरम में आप जो मेहनत मजदूरी है उसमें आप सभी में ये लिख दो, इसमें सस्ते श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। अब गेहूं में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है क्योंकि गेहूं को लंबे चौड़े क्षेत्रों में बोया जाता है, इसमें अधिक श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, सस्ते और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। लेकिन वर्तमान समय में गेहूं की कृषि में यंत्रीकरण का उपयोग बढ़ने से धीरे धीरे जो मानव श्रम है उसकी उपयोगिता क्या हो गई, कम हो गई। यंत्रीकरण जैसे कंपेन से काट रहे हैं, रिपर से काट रहे हैं, तो गेहूं में ज्यादातर कंपेन से काटते हैं तो उसमें यंत्रीकरण का उपयोग बढ़ा है। तो प्रश्न क्या हो गया, गेहूं के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो आपको पहला बताना है तापमान, उसके बाद में आपको बताना है धरातल, उसके बाद में वर्षा मृदा और सरम। तापमान बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और पकते और काटते समय लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और इसमें 100 दिन पाले रहित होने चाहिए। इस फसल के लिए धरातल समतल होना चाहिए ताकि पानी की निकासी आसानी से हो सके, और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इस फसल को बोया जा सकता है, और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों द्वारा भी इस फसल को पैदा किया जा सकता है। उसके बाद में आते हैं मृदा। गेहूं की फसल के लिए दोमट हल्की बलुई और काली मृदा उपयुक्त है, इसमें गेहूं अधिक पैदा होता है, और सरम, इसमें अधिक श्रमिकों और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। लेकिन वर्तमान समय में यंत्रीकरण का उपयोग बढ़ने से इन श्रमिकों की महत्ता क्या हो गई, मानवीय श्रम जो है उसकी महत्ता कम हो गई है। ठीक है, और यंत्रीकरण का उपयोग बढ़ रहा है, ये था इसका भौगोलिक दशाएं गेहूं की। ठीक, उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके उत्पादन और वितरण, यानी भारत में इसका उत्पादन जो है ना, और वो किन क्षेत्रों में अधिक होता है। अगर हम बात करें सतलज यमुना गंगा दुआ क्षेत्र, ऊपरी गंगा का जो मैदान मान लो, ये जो एरिया है ये भारत का, ये एरिया ये जो है ये सतलज नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ये गंगा का ऊपरी भाग, इन भागों में मालवा का पठार, पठारी भाग,
और ये जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी इस एरिया में सबसे अधिक क्या होती है, गेहूं की कृषि की जाती है, यानी सतलज यमुना और ऊपरी गंगा के मैदानी भागों में इसकी कृषि सर्वाधिक होती है। ठीक, यहां सर्वाधिक होने का कारण, भारत का ये जो भाग है इस भाग में गेहूं की कृषि अधिक होने के पीछे कारण क्या है, उनके पीछे कारण है कि पहले तो यहां पर पर्याप्त जल है, नदियां नहरें हैं, ठीक है, पर्याप्त जल है। उसके अलावा यहां जो है इसका जो उपजाऊ मैदानी भाग है, एक तो यहाँ समतल भूमि है, दूसरी बात यहाँ की मृदा क्या है, उपजाऊ है। ठीक है, ये क्षेत्र जो मैंने अभी आपको बताया है, सतलज यमुना गंगा दोआब और गंगा का जो ऊपरी मैदानी भाग है, इस भाग में देश का 68% गेहूं उत्पादित होता है। कितना? 68% गेहूं उत्पादित होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके राज्यवार की, भाई कौन से राज्य में कहां कितना गेहूं उत्पादन होता है, तो अगर इसमें बात करें तो सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश भारत का गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है। और इस क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है, यानी गंगा यमुना उनके दोनों के बीच की जो भाग, ये मतलब इधर से दोनों यमुना, इन दोनों के जो बीच का भाग है ना, गंगा और यमुना के बीच का दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि को हम दोआब कहते हैं, उन क्षेत्रों में अधिक होता है। इसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, ये जो एरिया है, ये एरिया इधर वाला, इस एरिया में गेहूं की कृषि अधिक की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में एक तो पर्याप्त जल की वजह से, समतल भूमि है, उपजाऊ मृदा है, इसकी वजह से गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। ये राज्य भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है, यानी अग्रणी राज्य है। ठीक है, दूसरी बात आती है पंजाब की, यानी पंजाब का जो एरिया है, ये पंजाब ये भारत का दूसरा बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है पंजाब। ठीक है, उसमें भी गेहूं अधिक पैदा होने के कारण ये थे, तो उत्तम सिंचाई सुविधा, दूसरी बात समतल भूमि, यानी सतलज का मैदान, अभी आपको मैंने बताया था कि सतलज का जो मैदान है उस भाग में गेहूं अधिक पैदा किया जाता है। एक यहाँ पर नहरों की अच्छी सुविधा है, नहरें अधिक हैं पंजाब में, तो पंजाब में उत्तम सिंचाई की सुविधा, उपजाऊ मृदा की वजह से गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि हरित क्रांति, यानी हरित क्रांति जो फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, उसको लेकर के हम हरित क्रांति के बारे में आगे पढ़ेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमारे देश में फसल उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, इसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप भी गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ा। इसमें लुधियाना, जालंधर है ना, बठिंडा, अमृतसर, पटियाला, संगरूर, ये जो एरिया है, इस एरिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, गेहूं उत्पादन होता है। तो ये पंजाब भारत का दूसरा बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यानी पंजाब में गेहूं अधिक उत्पन्न होने के कारण क्या है, एक तो उत्तम सिंचाई की सुविधा, दूसरी बात यहां उपजाऊ मृदा है, इसके साथ साथ हरित क्रांति के फलस्वरूप इस गेहूं के उत्पादन में यहां पर वृद्धि दर्ज की थी। अगर बात करें प्रति हेक्टेयर उत्पादन की, भाई सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, एक नंबर पे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ठीक है, लेकिन दो नंबर पे पंजाब है। प्रति हेक्टेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, पंजाब में होता है। ठीक है, ये थे पंजाब में गेहूं का उत्पादन। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का भारत में गेहूं उत्पादन में तीसरा स्थान है। यहाँ पर भी इसके भी मैदानी भाग, जैसे मैंने अभी आपको बताया मालवा का जो पठार है, मध्य प्रदेश में मालवा का जो पठार, इस पठारी भाग में काली मृदा के अधिक होने से, और इधर वाला जो भाग है, इस भाग में मैदानी भाग के अधिक होने से मध्य प्रदेश में भी गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में भी गेहूं का उत्पादन सिंचाई की सुविधाओं के कारण से बढ़ा है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा की कमी है
और सिंचाई सुविधाओं का जो विकास अधिक हुआ, जैसे इंदिरा गांधी नहर, इसके नलकूपों द्वारा, तो सिंचाई सुविधाओं से भारत में राजस्थान में गेहूं का उत्पादन क्या है, बढ़ा है। ठीक है, अगर हम राजस्थान में गेहूं उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो इसमें गंगानगर, कोटा, बारा, अलवर, जयपुर, ये जो एरिया है इस क्षेत्र में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं बिहार। बिहार का जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी मैदानी भाग में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। कितना करता है? 12% पूरे विश्व का, विश्व में जो 100% होता है उसका भारत में 12% गेहूं का उत्पन्न होता है, भारत में उत्पन्न होता है। तो हमने कृषि फसलों के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ा? गेहूं के बारे में। गेहूं के बारे में आपको क्या लिखना है? सबसे पहले गेहूं के बारे में आपको यह लिखना है कि गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, भारत में गेहूं की कृषि रबी की फसल के अंतर्गत बोई जाती है। ठीक, भारत में दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था चावल, दूसरा देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 14% भाग पर गेहूं को बोया जाता है। ठीक, इसकी परिचय हो गई। उसके बाद में भौगोलिक दशाओं में आपको अलग अलग बताना है। तापमान 32 में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, काटते और पकते में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। धरातल समतल होना चाहिए ताकि पानी की आसानी से निकासी हो सके। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं को पैदा किया जा सकता है। जिन भागों में वर्षा की कमी है वहां सिंचाई के साधनों द्वारा भी गेहूं को पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा मृदा की बात करें तो गेहूं के लिए दोमट, हल्की बलुई और काली मृदा सबसे उपयुक्त होती है। वैसे अधिकांश मृदा में पर्वतीय मृदा को छोड़ करके गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा श्रम, अगर मैं श्रम की बात करें तो उसमें सस्ते और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ते यंत्रीकरण ने मानव श्रम की महत्ता को क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो ये था इसके बारे में भौगोलिक दशाएं। फिर उसके बाद में उत्पादन और वितरण कि भारत में गेहूं का उत्पादन कहाँ अधिक होता है, तो मैंने अभी आपको बताया सतलज, गंगा, यमुना, दोआब और ऊपरी गंगा का जो मैदानी भाग है उस भाग में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अब प्रश्न ये आ जाए कि भारत में गंगा के ऊपरी मैदानी भाग में या हम यूं कहें कि उत्तर के विशाल मैदान में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि एक तो यहाँ पर पर्याप्त जल है, सिंचाई हेतु पर्याप्त जल, उपजाऊ मृदा और समतल भूभाग होने की वजह से ये क्षेत्र देश का 68% गेहूं उत्पादित करता है। ठीक है, इसके बाद में हमने राज्यवार पढ़ा। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में पहला उत्तर प्रदेश का स्थान है। उस उत्तर प्रदेश भारत का पहला यानी अग्रणी राज्य है जिसमें गंगा यमुना के दोआब या ऊपरी गंगा के मैदानी भाग में सबसे अधिक गेहूं पैदा किया जाता है। उसके बाद में आता है दो नंबर में पंजाब। पंजाब में भी उत्तम सिंचाई और हरित क्रांति के फलस्वरूप इस गेहूं के उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है, कहाँ होता है, प्रति हेक्टेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, पंजाब में होता है। उसके बाद में हरियाणा, हरियाणा में भी सिरसा, हिसार, रोहतक, जींद और फतेहाबाद का जो क्षेत्र है ये दरवाला, इस एरिया में क्या होती है, गेहूं की फसल अधिक। उसके बाद मध्य प्रदेश, यानी हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों का तीसरा स्थान है भारत में, पहला उत्तर प्रदेश का, दूसरा पंजाब का, तीसरा हरियाणा और तीसरा ही उसका मध्य प्रदेश का। उसके बाद में राजस्थान में भी सिंचाई के साधनों द्वारा और इंदिरा गांधी नहर के आ जाने से गेहूं के उत्पादन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, और राजस्थान की अगर बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, अलवर, जयपुर, ये जो एरिया है इस एरिया में गेहूं की कृषि अधिक की जाती है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी गेहूं अधिक बोया जाता है। अगर प्रश्न आ जाए भारत के रेखा मानचित्र में गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाइए तो आपको इस प्रकार से दर्शाना है। ठीक है, ये सतलज का मैदान, ये गंगा का ऊपरी मैदान, इसको बोल दिया गंगा यमुना दोआब बोल दिया इसको। ठीक है, ये हो गया मालवा का पठारी भाग। ठीक है, राजस्थान में ये हो गया दक्षिणी पूर्वी। ठीक, इसके अलावा ये थोड़ा बहुत महाराष्ट्र और का ये जो भाग है इस भाग में भी गेहूं उत्पन्न किया जाता है। तो ये मानचित्र भी आपको
अच्छे से देखना है और ये उसके क्षेत्रों को देखना है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।